कहते हैं जल ही जीवन है, और जब यही जल बोतल में बंद होकर कई गुना दाम पर बिकता है तो आपके जीवन को संकट में भी डाल सकते हैं। बाजार में मिलने वाला बोतल बंद पानी, जिसे आजकल स्टेटस सिंबल भी माना जाने लगा है, आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सिर्फ यही नहीं, लंबे समय तक बोतल बंद पानी पीना आपको कैंसर दे सकता है। आज के आधुनिक युग में जहां औद्योगिकरण और प्रदूषण के कारण नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं, ऐसे में सेहत के मद्देनजर लोगों का रुझान मिनरल वाटर और पैक ड्रिंकिंग वाटर की तरफ बढ़ा है। दुनिया में लोग जल्दी और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मिनरल वाटर के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी बेच देते हैं। ऐसे में यदि आप मानते हैं कि भारत में बोतल बंद पानी सुरक्षित है तो एक बार फिर से सोचे। कोई नहीं चाहता कि आप ढक्कन के नीचे बंद पानी का राज जाने, इसलिए आज के वीडियो को देखकर अपने दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आरओ संचालकों की। जी हाँ, वही जो रोज हजारों लीटर पानी की सप्लाई दुकानों, घरों और शादी विवाह समारोह में करते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि पानी के मानक स्तर को तवज्जो न देकर अधिकतर आरओ वाटर प्लांट केवल पानी ठंडा करके बेच रहे होते हैं। एक बार एक वीडियो पर नजर डाले कैसे प्लास्टिक वाटर जग में आरओ पानी भरा जा रहा है। पानी के डब्बों पर नंगे पैर खड़े होकर कर्मचारी डब्बों में पानी भर रहे हैं। वही पानी पैर से होकर डब्बों में जा रहा है, जिसके बाद गाड़ियों में रखकर ये पानी आपके घरों, ऑफिसों और दुकानों में पहुंचा दिया जाएगा। पटना में जब फुटवेयर कंपनी के मैनेजर ने आरओ प्लांट से आए डिब्बे से पानी की बोतल में पानी भरकर पिया तो उनके मुंह में सांप का बच्चा चला गया। यानी जिस टंकी में पानी रखा जाता है उसे भी साफ नहीं किया जाता। अगर आप भी ऐसा पानी पीते हैं तो पीने से पहले पानी की जरूर जांच कर ले, और जिस प्लांट से आपके पास पानी आता है वहां जाकर भी समय समय पर जांच जरूर करें और जानने की कोशिश करें कि पानी का कितना TDS है और जो जीवाणु रहित है या नहीं, उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की जाती है कि नहीं, व पीने का कौन सा पानी वो आपको दे रहे है, वाटर प्लांट का स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, प्लांट में आरओ मशीन है या केवल वाटर ट्रीटमेंट से काम चल रहा है। इसके अलावा एक या दो रुपए के पानी के पाउच पर एक्सपायरी डेट लिखी होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप न खरीदे। ये पाउच पर्यावरण को खराब करने के साथ साथ आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा खराब असर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर पर वाटर प्यूरिफायर या आरओ मशीन लगवाना चाहते हैं या लगा रखी है तो ये बात जान ले कि अधिक मात्रा में पानी में घुलित खनिजों यानी कि TDS की मात्रा का डर दिखाकर कंपनियां और डीलर्स धड़ल्ले से आरओ प्यूरिफायर बेच रहे हैं। इनका निर्माण ऐसे क्षेत्रों के लिए किया गया है जहाँ पानी में TDS की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए सिर्फ TDS को पानी की गुणवत्ता का मापदंड मानकर आरओ खरीदना सही नहीं है। जिन जगहों पर पानी में टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर है, वहां पर सप्लाई होने वाले नल का पानी सीधे पिया जा सकता है। इसके बावजूद अगर आपको आरओ या वाटर प्यूरिफायर लेना है तो किसी प्रतिष्ठित कंपनी से ही ले। सस्ते के चक्कर में गली मोहल्लों में घूमने वालों से न खरीदे, वरना आपको नकली सामान बेच दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आरओ के पानी का लगातार इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम नष्ट करता है, इससे हड्डियां कमजोर हो सकती है। पानी में कई जरूरी तत्व फिल्टर होने के दौरान नष्ट हो जाते हैं। पानी का क्लोरीनेशन होना जरूरी होता है, जिससे बैक्टीरिया तो नष्ट हो जाता है लेकिन मिनरल्स पर कोई असर नहीं पड़ता। आमतौर पर हम सभी ने कई ग्राहकों को दुकानदार से यह कहते हुए भी सुना होगा कि भैया मिनरल वाटर देना, लेकिन सही मायने में आप जो पानी खरीद रहे हैं क्या वह मिनरल वाटर है? आमतौर पर हम जो पानी बाजार से खरीदते हैं वह मूल रूप से दो तरीके के होते हैं, एक पैक ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा मिनरल वाटर। आमतौर पर हम जो भी पानी खरीदते हैं वह पैक ड्रिंकिंग वाटर है, ना कि मिनरल वाटर। अब सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। साधारण भाषा में समझे तो पैक ड्रिंकिंग वाटर असल में पीने का साफ पानी है, बस।
हम 20, 30, 40 रुपए की कीमत अदा कर जो भी पानी खरीद रहे हैं वह पैक ड्रिंकिंग वाटर ही है। यह नल के पानी को प्यूरिफाई कर तैयार किया जाता है, कुछ वैसे ही जैसे घर में लगे वाटर प्यूरिफायर से हम पानी साफ करते हैं। कंपनियां पानी को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करती है और फिर बोतल में पैक कर देती है। इस पानी में मिनरल्स यानी खनिज तत्व सामान्य होते हैं। उसके उलट मिनरल वाटर पर कंपनियां थोड़ी ज्यादा मेहनत करती है। नाम मिनरल वाटर है तो इसमें खनिज तत्वों का पूरा ख्याल रखा जाता है। यह पानी ऐसे प्राकृतिक स्रोत से लिया जाता है जहां पानी में लाभकारी खनिज तत्व होते हैं। प्राकृतिक झरने फव्वारे इसका मुख्य स्रोत होते हैं। इसके अलावा जब इस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है तब इनमें से अलग से खनिज तत्व मिलाए जाते हैं। तकनीकी तौर पर यह पानी स्वाद और सेहत दोनों में बेहतर है, लेकिन इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। आमतौर पर बाजार में मिनरल वाटर की एक बोतल 100 रुपए से ज्यादा की कीमत पर मिल जाती है। पानी खरीदते वक्त बोतल की पैकिंग और उसके साथ लगे टैग पर ध्यान दें। जिस बोतल पर IS14543 का मार्का हो वह पैक ड्रिंकिंग वाटर है, जबकि यदि बोतल पर IS13428 का मार्क हो सीधा सा मतलब है कि यह मिनरल वाटर है। अब बात करते हैं पैक ड्रिंकिंग वाटर बोतल की। ये बात किसी से छुपी नहीं है, ट्रेन यात्रा के दौरान प्यास लगते ही यात्री पैक्ड वाटर बोतल की बोतल खरीदते हैं और फिर पानी पीने के बाद फेंक देते हैं। उसी बोतल को जमा करके फिर से पानी पैक कर यात्रियों को बेचा जाता है। आपने जरूर बाल्टी में बोतल रखकर बेचते लोग देखे होंगे। हम जागरूक होने के नाते बस इतना देखते हैं बोतल सील पैक है कि नहीं। इन लोगों के पास ऐसे तमाम जुगाड़ होते हैं जो यूज बोतल को फिर से सील पैक कर देते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर इन लोगों का रैकेट सक्रिय रहता है। हाल ही में 300 से अधिक स्थानों पर रेड मारी गई। इस दौरान 4 पेंट्री कार के प्रबंधक समेत 800 लोगों को गिरफ्तार किया है और 48,860 बोतलें बरामद की गई। बिहार के भागलपुर से रेलवे ने नकली ब्रांड के पानी बेचने वाले 141 वेंडरों को गिरफ्तार किया। अब देखिए कैसे होता है ये काम। जंक्शन या आसपास फेंके गए खाली वाटर बॉटल की बोतलों को स्टेशन पर घूमने वाले बच्चे जमा करते हैं। खाली बोतलों में से उन बोतलों को अलग किया जाता है जिन पर कंपनी का लेबल बिल्कुल फ्रेश नजर आता है। अच्छी बोतलों में स्टेशन पर ही नल से नॉर्मल पानी भर दिया जाता है। इसके बाद ढक्कन को इस तरह से बंद किया जाता है कि आप बिल्कुल नहीं पकड़ सकते कि सील टूटा है और बोतल पहले यूज हो चुकी है। ढक्कन को बंद करने के बाद एक खास तरीके के पतले टेप से बोतल के ढक्कन को सील किया जाता है। यह टेप कंपनी के सील की तरह लगता है। अब यह नकली वाटर ठंडा करके बिकने को तैयार है। इसलिए जब भी मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यूज करें, बोतल को अच्छी तरह क्रश करके ही फेंके। हो सके तो उस पर लगे कंपनी के लेबल और ढक्कन को अलग अलग फेंके। मिनरल वाटर या पैक ड्रिंकिंग वाटर रेलवे स्टेशन पर ऑथराइज वेंडर शॉप से ही खरीदे। चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं जानी मानी कंपनियां द्वारा बेचे जाने वाले बोतल बंद पानी की। सुरक्षित और साफ समझे जाने वाले ये मिनरल वाटर और पैक्ड वाटर बॉटल उतने सेफ नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ऐसा हम नहीं, एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने चेतावनी जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि ये बोतल बंद पानी लगातार पीने से कैंसर, दांत कमजोर, गंजापन, आंत व किडनी की बीमारी हो सकती है। ये सिर्फ अनुमान नहीं है बल्कि BARC की स्टडी में ऐसा साबित हो चुका है। BARC ने मुंबई में बिकने वाले पानी की 18 कंपनियों के 5-5 सैंपल जांच के लिए लिए। उनका जब विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया तो पाया कि बोतल में ब्रोमेट नाम के केमिकल की मौजूदगी मानक से 27% ज्यादा थी। WHO के मुताबिक 1 लीटर पानी में 4 mg से ज्यादा ब्रोमेट जहर का काम करता है। ब्रोमेट के अलावा उस जांच में क्लोराइड और क्लोरेट की भी मौजूदगी पाई गई। हैरानी की बात तो यह है कि जिस नल के पानी को आप पीने के लिए सेफ नहीं समझते उसमें ये हानिकारक केमिकल नहीं पाए जाते, लेकिन इन बड़ी कंपनियों द्वारा पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस के दौरान ये केमिकल पानी में घुल जाते हैं। सरकार ने पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मापदंड बना रखे हैं, पर सवाल यह उठता है कि क्या कंपनियां इस नियमों का पालन कर रही है। अगर नहीं तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है।
आपके घर में आने वाले नल के एक लीटर पानी की कीमत लगभग 7 पैसे है, जबकि कंपनियां एक लीटर पानी 20 रुपए में बेचती है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण व पैकेजिंग की वजह से बोतल बंद पानी का मूल्य बढ़ता है। और तो और, एक लीटर पानी को शुद्ध करने में करीब 2 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा धूप सेहत के लिए जितनी आवश्यक है, बोतल बंद पानी के लिए उतनी ही खतरनाक है। कंपनियां बोतल पर यह तो लिख देती है कि बोतलों को धूप से दूर रखें, पर यह नहीं बताती क्यों। दरअसल प्लास्टिक की बोतलों को मुलायम बनाने के लिए एक खास रसायन पैथलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण उपभोक्ता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। यह रसायन लोगों के शरीर के अंदर पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल सामान्य से थोड़ा अधिक तापमान में आते ही पैथलेट्स पानी में घुलने लगता है और पानी को सेहत के लिए खतरनाक बना देता है। इसका व्यक्ति की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसीलिए दुकानों वगैरह जहां बाहर धूप में बॉटल सजाकर रखी जाती है, वो बॉटल न खरीदे। तो आपने क्या सोचा, क्या बोतल बंद पानी से दूर रहना चाहिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही है और बोतल बंद पानी सेहत के लिए एकदम से खराब है। जरूरत है तो बोतल बंद पानी को लेकर जागरूक रहने की। जब तक सरकार पानी और सेहत को लेकर बनाए गए नियम, कानून और मानकों को सख्ती से लागू कर इस पर निगरानी नहीं रखेगी, तब तक मुनाफाखोरी में लगे कई कंपनी और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आएगी। लोगों को भी चाहिए कि वे सही बोतल बंद पानी खरीदे और इसके इस्तेमाल में लापरवाही नहीं बरते। उम्मीद है हमारे द्वारा लगातार दी गई जानकारी आपके काम जरूर आ रही होगी, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।